हम मालवेसी फैमिली के मेंबर को देख रहे थे, इसका पार्ट सेकंड वीडियो हम देख रहे हैं। इसमें हमारी जो अगली 4 नंबर की जो स्पीसीज़ है मालवेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के प्लांट में, जिसमें कि हिबिस्कस कैनाबिन, ठीक है। अब इसका देखें हम तो क्या है, इस प्लांट से जो जूट हैगा, ठीक है, पटसन जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं, जूट इसके प्लांट से प्राप्त किया जाता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब में उगाए जाते हैं, और इससे ही जो रस्सियां हैं, ठीक है, जो थ्रेड हैं, डोरियां हैं, कागज़ बनाने, जो कागज़ की जो लुगदी होती है उसके लिए भी इसी पर्टिकुलर प्लांट का यूज़ किया जाता है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इस फैमिली के मेंबर, क्योंकि इस फैमिली के मेंबर से हमने देखा तपस्या खली, इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के सूती कपड़े हैं वह तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और ये प्लांट जो मैंने बताया आपको हिबिस्कस कैनाबिनस, इस प्लांट से क्या प्राप्त किया जाए, जूट, ठीक है, जो बोरियां होती है, बारदाने होते हैं, वो इसी प्लांट से पर्टिकुलर प्राप्त किए जाते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो ये आपको मालूम होगा गुड़हल इस पौधे को कहते हैं, जो लाल फूल होते हैं माता जी पे चढ़ते हैं, है ना, यह गुड़हल या, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम, ये सब बॉटनिकल नेम बताए गए हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बताया गया है। फिर अगला देखिए हमारा सिंपल है, सुंदरता के लिए हम इसको बगीचे में, ठीक है, और धार्मिक रूप से भी इस प्लांट को उगाते। अगला जो प्लांट है एबिल मॉस्कस एस्कुलेंटम, ठीक है, तो इस प्लांट का यूज क्या है, यह एक झाड़ीनुमा नेचर का प्लांट है। इसके स्टेम से जो रेशे, जो फाइबर प्राप्त करते हैं, और इसी फाइबर से जो जहाज में जो विभिन्न प्रकार के रस्सी, डोर या हम कहें थ्रेड जो बनाते हैं, ठीक है। क्या है प्लांट का नाम, एबिल मॉस्कस, ठीक है, एस्कुलेंटम। इसके बाद अगला है हमारा जो प्लांट एलिथिया रोजिया, ठीक है, इसको हॉलीहॉक भी बोलते हैं, हॉलीहॉक, यह सुंदरता के लिए घरों में, उद्यानों में, ठीक है, गार्डन में उगाते हैं इसको प्लांट को, और इसके फ्लावर से रेड कलर प्राप्त होता है, और जो इसकी रूट है उससे मेडिसिन प्राप्त की जाती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, क्या है प्लांट का नाम, एलिथिया रोजिया, ठीक है, एलिथिया रोजिया प्लांट का नाम है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि किस प्रकार मालवेसी फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाइना रोज हम इसमें गुड़हल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, स्वभाव, इसके हैबिट क्या है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, ठीक है। इसके कुछ प्लांट के बॉटनिकल नेम है, कई बार एग्जाम में बॉटनिकल नेम सिंपल सा पूछना है कि मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के बॉटनिकल नेम को डिटेल कीजिए या एक्सप्लेन द मालवेसी फैमिली बॉटनिकल नेम, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनसे हमको मेडिसिन भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं उनसे हमको जो विभिन्न प्रकार के जूट है, या हम कहें कुछ जैसे मान लो मैंने बताया गॉसिपियम से कॉटन, रुई जो हो रही, ठीक है, वो प्राप्त हो रहे हैं, सूती कपड़े तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट। थैंक यू।